दोस्तों अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में हम छिलके वाली मूंग की दाल का सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल रखा है। अब ऑयल गर्म होने के बाद राई और हींग और मैंने 3 कली लहसुन को पीस के रखा है। दोस्तों ये सब्जी भी मेरे लिए खास है क्योंकि पार्वती बहन सबको हाय बोलो। हाय। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये भी पार्वती बहन बना रहे, वो 75 ईयर्स ओल्ड है और वो मुझे अपनी हाथ की खिलाने चाहते हैं। तो ये तेल हो गया, उसमें हमने राई के दाने डाले। जब राई फूटेगी हम उसमें हींग डालेंगे और हींग के बाद लहसुन डालेंगे। दोस्तों राई कटक गई, हमने हींग और लहसुन डाला और अब तेल में ही हम आधी चमची हल्दी डालेंगे। बहुत सिंपल सब्जी है और आप जानते हो कि मूंग की दाल जो है वो एकदम फाइबर से भरपूर है और प्रोटीन और फाइबर बहुत मिलता है, क्योंकि छिलके के सहित है। तो ये दाल कभी कभी 15 दिन में एक बार तो खानी चाहिए, छिलके वाली मूंग की दाल। नमक स्वाद अनुसार नमक डाला है दोस्तों। अब सब सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल के हम उसमें लगभग 1 ग्लास पानी डाल के उसको ढक के पकाएंगे। दोस्तों ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी हमने पहले से ही डाली थी। अब उसको इतना पानी डाला है और उसको ढक के पकाएंगे। तो 10 मिनट में ये हमारी फाइबर और प्रोटीन से प्रचुर दाल तैयार हो जाएगी दोस्तों। तब हम जब वो पक जाएगी हम उसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। तो ये दही के साथ में बनती है दोस्तों और गरम गरम बाजरे की रोटी के साथ खाने में बहुत मज़ा आती है। मैं पराठे के साथ खाने वाली हूँ। अनिला शाह फ्रॉम अन्ना ग्लो रसोई की रंगत। अब उसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, फिर बाद में 2 चम्मच दही डालेंगे और धनिया पत्ती से सजावट करेंगे। दोस्तों हमारी जो मूंग की दाल है वो पक गई है। अब उसमें हमने दही डाला और दही डालने के बाद अब खुला ही 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों दही वाली फाइबर और प्रोटीन से प्रचुर मूंग की छिलके वाली दाल तैयार है। मैंने उसमें दही भी डाला था और लास्ट में उसको धीरी आंच पे खुला ही पकने दिया था। तो ये दाल सब्जी जरूर बनाइएगा दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू।